दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार। आप देख सकते हैं इस तरीके से पास्ता मैक्रोनी का मैन्युफैक्चरिंग का देखिए यहाँ पे पूरा प्लांट लगा रखा है। मतलब कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे इसकी पैकेजिंग की जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको मेकिंग का भी काम करके पैकेजिंग करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा देखिए आप लोगों का बिज़नेस स्टार्टअप होने वाला है। आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ एक काफ़ी बड़े प्लांट पे, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं पूरा रॉ मटेरियल वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, मशीनरी लगी हुई है, मतलब पूरा आप यहाँ पे बनाने का काम कर सकते हैं। तो ये सब दिखाने के लिए मैं आया हूँ आज रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग पे। तो चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं कैसे व्यापार शुरू होगा, कितनी लागत आएगी और इससे कितनी आमदनी हो सकती है, सारा कुछ बताता हूँ हम लोगों को। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के अंदर। आप देख सकते हैं इस तरीके से देखिए पूरी मशीनरी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है, मतलब फूड आइटम से रिलेटेड आप लोगों को एक से एक यहाँ पे मशीनरी सारी मिल जाएगी। मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है सर की, तो हर तरह का बेसिकली आप लोग व्यापार बिजनेस लघु उद्योग से रिलेटेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो साबिर सर एक बार फिर से मेरे साथ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार सर। तो सर आज की वीडियो में हमारे क्या धमाका हो रहा है, कौन से व्यापार के बारे में अपने व्यूअर्स को बताने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन में। दोस्तों आज मैं आपको मैक्रोनी पास्ता के प्लांट के बारे में बता रहा हूँ और पैकेजिंग मशीन के बारे में, ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें क्या मुनाफा होता है, क्या प्रॉफिट होता है इसमें और कितना इसमें बिजली का कंजक्शन होता है, कितने एरिया में लगता है। अच्छा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ओके, तो सर मान लीजिए अगर कोई ये व्यापार स्टार्ट करना चाहे घर बैठे भी, तो मतलब कितनी पूंजी से लगा सकता है इसको? देखिए सर, 100 किलो का जो मैक्रोनी पास्ता का जो प्लांट होता है, कम से कम इसको बनाने लगाने के लिए 7.5-8 लाख रुपए की जरूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया, स्पेस हो गया, ये सब चीज लगानी पड़ती है। मैक्सिमम 10 लाख रुपए के आसपास का इसमें आपका बजट है। अच्छा जी, और इसको लगाने के लिए आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह पड़ती है। ओके, और 10 किलोवाट बिजली का लोड लगता है इसमें 3 फेज का। ठीक है, तो मतलब बात करूँ तो इसमें मैक्रोनी पास्ता हम मेकिंग से लेकर के पैकेजिंग का सारा काम इसमें कर सकते हैं जी। इसमें देखिए 2-3 तरह की मशीनें होती है, जैसे एक मिक्सचर मशीन होती है जिसमें सूजी मैदा मिक्स होती है, दूसरा एक एक्सट्रूडर होता है जिसमें हम जो भी डाई लगाते हैं वो माल बनता है, और तीसरा एक ड्रायर होता है जो उसको ड्राई करता है, उसके बाद पैकेजिंग मशीन होती है, कंप्रेसर होता है। ओके, तो दोस्तों ज़्यादा वेट ना करते हुए सीधे ले चलते हैं आप लोगों को प्लांट पे, सारी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग से रिलेटेड आप लोगों को A to Z सारा दिखाते हैं कि आप घर बैठे भी इस व्यापार को स्टार्ट करके महीने की काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ फैक्ट्री के अंदर, देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को मतलब यहाँ पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग ये देखिए आप लोगों को पूरी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर सर मेरे साथ हैं, तो सर ये प्लांट आपका दे रखा है पूरा जी, क्या क्या बनाते हैं सर आप यहाँ पे? जी हम मैक्रोनी पास्ता, बर्मिसली, पैनी पास्ता। अच्छा जी, तो क्या प्रोसेस होता है सर, क्या क्या रॉ मटेरियल वगैरह लगता है इसको बनाने के लिए? जी हम प्योर सूजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये प्योर सूजी से ही बनता है। अच्छा जी, जैसे ये पीछे मैं देख रहा हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं मैक्रोनी है। ओके, ये मैक्रोनी देखिए पूरी आप लोगों की यहाँ पर कंप्लीट करके रखी गई, मतलब सुखा करके पूरा रखा गया है। इसके बाद पैकेजिंग का काम होगा। हाँ, इसके बाद ये पैकेजिंग होती है, पहले मशीन से बनाते हैं इसको। जैसे कि आप ये देख रहे हैं सूजी है, बारीक बारीक सूजी लगती है इसके अंदर। अच्छा जी, कोई मैदा वगैरह नहीं और कोई कुछ नहीं, मतलब प्योर सूजी का आप लोग मैक्रोनी पास्ता बनाने हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ठीक है जी, ये देख लीजिए इस तरीके से गट्ठर बाई गट्ठर पूरा आप लोगों का सूजी यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है सर इसे बात करें तो? यहाँ से ये सूजी पहले हॉपर के अंदर आती है। ओके, अच्छा ये हॉपर दे रखा है जी। अच्छा जी, ये हॉपर है, इसके अंदर आती है सूजी, यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर मिक्सचर में मिक्स होती है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से देखिए आप लोगों का मिक्सचर यहाँ पे पूरा बना करके यहाँ पर ये मशीन रेडी कर रही है। ये देख लीजिए आप लोग इस तरीके से पानी और सूजी का पूरा मिक्सचर देखिए इस तरीके से पूरा रेडी किया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, इस वाले मिक्सचर से फिर इस वाले छोटे वाले मिक्सचर में आती है जी। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर ये डाई लगा देते हैं। ठीक है, अभी ये पास्ता चल रहा है इस वक्त। अच्छा, जब मैक्रोनी चलानी होती है जब मैक्रोनी की डाई लगा देते हैं, जब जब पास्ता चलाना होता है पास्ता लगा देते हैं। ठीक है, जब बर्मिसली चलानी होती है तो बर्मिसली लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग अभी मैक्रोनी बना रहे हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये पूरा निकलता है इसके अंदर ये ऐसे? जी जी जी। ठीक है सर, अच्छा मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो मतलब कितना प्रोडक्शन कर देती है मशीन ये? जी डेली 2 टन, 1.5 से 2 टन माल हम डेली तैयार करते हैं। अच्छा, 1.5 से 2 टन आप तैयार कर लेते हैं जी इस मशीनरी के थ्रू जी। ओके, ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से पूरा ये सेटअप पूरा लगा रखा है सर ने यहाँ पर। अब जैसे कि इसके ऊपर डाई लगाई जाती है जी, अब हम ये पास्ता लगा रखा है। हाँ, ये पास्ता की डाई लगी हुई है, पास्ता चल रहा है। ठीक है, जब मैक्रोनी निकालनी होती है तो मैक्रोनी की डाई लगा देते हैं। ओके, जब बर्मिसली चलानी होती है तो बर्मिसली की डाई लगा देते हैं। ठीक है, जब हमारे को पैनी पास्ता लगाना होता है तो पैनी पास्ता की। ओके, यहाँ से मशीन से यहाँ पर आता माल, यहाँ से फिर इसके अंदर ट्रॉली में लगता है। अच्छा, फिर ये ट्रॉली जो है यहाँ से
सीधी ड्रायर के अंदर आती है। अच्छा जी, ये इसके अंदर है। अच्छा, ये पूरा इसमें रहता है। इसके अंदर क्या काम होता है सर? इसके अंदर ये माल सूखता है हीटर और पंखे के उससे। अच्छा जी, हीटिंग से मतलब यहाँ पे ड्राई किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों सुखाया जाता है यहाँ पर। ये देखिए पूरा फैन वगैरह का पूरा यहाँ पे काम लगा हुआ है। तो ये कितने टाइम में हो जाता है सर? ये कम से कम 10 घंटे लगते हैं इसके अंदर। 10 घंटे? हाँ, 10 घंटे। तो दोस्तों देख सकते हैं पास्ता मैक्रोनी सूखने के बाद देखिए आप लोगों का इस तरह से थोड़ा हार्ड हो जाता है ये। तो यहाँ पर ये पूरा रेडी हो चुका है पैकेजिंग के लिए, देख सकते हैं। और ये पैकेजिंग रहेगी सर आपकी? जी, हमारी ये शिवंता के नाम से है। ठीक है, 5 केजी का है। अच्छा, कट्टे के अंदर 4 पन्नी डालते हैं, 20 किलो का कट्टा होता है। अच्छा, 20 केजी का। ओके, उसको ज़्यादा क्वांटिटी के लिए देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से पूरा गट्ठर बाई गट्ठर ये देखिए पूरा रेडी हो जाता है यहाँ पर। बड़े बड़े कार्टन रेडी हो जाते हैं, मतलब अगर किसी को बल्क में चाहिए और रिटेल में सेल करने के लिए बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे पाउच बनाए जाते हैं। ये मशीन से पैकिंग होती है छोटी वाली, जैसे 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम तक हम इससे पैक करते हैं। अच्छा जी, ये देखो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं मैक्रोनी पैक हो रही है जी। ये देखिए पूरा पाउच यहाँ पे, देखिए पूरा पैकेट आप लोगों का 100 ग्राम का पूरा पैक हो चुका है। ये देख सकते हैं सर का ब्रांड एक पूरा दे रखा है यहाँ पर। तो ये पूरी हमारी पाउच पैकेजिंग की देखिए मशीनरी इस तरीके से आपको मिल रही है। इसमें क्या क्या साइज़ पैक हो जाता है सर बात करें तो? इसमें 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक कुछ भी पैक कर सकते हैं। अच्छा, पैक कर सकते हैं। ओके, और क्या प्रोडक्शन होगी अगर मैं बात करूं तो कितना? इससे एक घंटे में 1800 पाउच पैक होते हैं। अच्छा, 1800 पाउच पैक हो जाएगा। हाँ, 1700 से 1800 पाउच क्या बात। तो दोस्तों ये आप लोगों का पूरा मतलब पैकेजिंग का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम ने दिखाया मैक्रोनी पास्ता किस तरह से बेसिकली आप बना करके पैक कर सकते हैं। सर मान लीजिए अगर किसी को बनाया भी चाहिए तो भी आप प्रोवाइड कर देते हैं? बिल्कुल जी, बल्क में देते हैं, रिटेल में, होलसेल में। अच्छा जी, क्वान्टिटी में चाहिए उतनी क्वान्टिटी में दे देते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई सिर्फ पैकेजिंग का काम स्टार्ट करके व्यापार करना चाहता है तो आप देखिए इस तरीके से मशीन ले करके मतलब जो भी आपको बनाया मटेरियल चाहिए आप सर से ले सकते हैं पास्ता मैक्रोनी, तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, आप उसको अपने ब्रांड में बना करके बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा मतलब पूरा प्रोसेस आप लोगों को मैक्रोनी पास्ता मेकिंग का पूरा हमने दिखाया किस तरीके से ये पूरा बनेगा, कितनी आसानी से आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पैकेजिंग का काम कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सर मान लीजिए अगर कोई ये व्यापार स्टार्ट करना चाहे तो मतलब कितने अमाउंट लगा करके वो पूरा बिजनेस सेटअप कर सकता है इसको? देखिए कम से कम इसके लिए 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगता है इसमें। ठीक है, और इसमें पर केजी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 10 रुपए किलो के आसपास इसमें प्रॉफिट होता है। अच्छा जी, जो हम इसको दो तरह से बेच सकते हैं, कट्टों में भर के भी बेचते हैं, 20 किलो या 25 किलो का कट्टा बनाते हैं, और इनको 100 ग्राम या 50 ग्राम के हिसाब से हम पैकेट में पैक करके बेचते हैं। ओके, जैसे मैंने सर पाउच बना के दिखाया 100 ग्राम के जो हमारे पाउच है वो हमने पैक करके दिखाया, तो उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है? पैकेट पर कम से कम आपका 1.5 से 2 रुपए का आपको प्रॉफिट मिलना है। अच्छा, ओके। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों का व्यापार यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और 1 केजी में आप कितना बता रहे हैं सर इसमें? 1 केजी पे मिनिमम 10 रुपए का आसपास। अच्छा, मिनिमम आप लोगों को 10 रुपए का फायदा इसमें होगा। तो आप बल्क में, होलसेल में और रिटेल में इसको सेल आउट करके मतलब काफी अच्छी आमदनी, काफी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। सर मान लीजिए अगर कोई 10 लाख का सेटअप लगाता है तो महीने की मतलब कितनी इनकम जनरेट कर सकता है यहाँ से? देखिए 10 लाख रुपए लगा के महीने की कम से कम 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है महीने का। अच्छा जी जी, और देखिए 10 लाख रुपए अगर जिसके पास है वो जरूरी है मैक्रोनी पास्ता ही लगाए। हमारे पास काफी प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि कुरकुरे का होता है, चिप्स का भी होता है, बिल्कुल जी, नमकीन भी होता है, बिल्कुल। ये मशीनें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी आप लोगों को अलग अलग प्रोसीजर वाइज छोटी छोटी सारी मशीनरी का ऑप्शन सर के पास यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए सर मैं यहाँ पे 5-6 तरह के प्रोजेक्ट बनाता हूँ पूरा कंप्लीट पैकिंग से लेकर मेकिंग तक का, जैसे कि मैं बात करूँ कुरकुरे का, चिप्स का, नमकीन का, और सोया बड़ी का, अच्छा, पप्स का, बिस्किट का, मैक्रोनी पास्ता का, ये सभी प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पूरे प्लांट में रेडी करता हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट आप एक ही जगह से आपको सारे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल, फूड पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप लोगों को A to Z हर चीज़ आप लोगों का बिजनेस यहाँ से स्टार्टअप होने वाला है, क्योंकि हम सर की वीडियो बनाते रहते हैं तो आप लोगों को हर वीडियो में एक नए व्यापार के बारे में बताते रहते हैं। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको मेरे गोडाउन में कौन कौन सी मशीनें अभी रेडी है, जो हमेशा रेडी रहती हैं, आप कभी भी आइए और हैंड टू हैंड मशीनें लेके जा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी मशीनें मेरे पास ऑलमोस्ट रेडी हैं अभी। जैसे कि आप ये मशीनें देख रहे हैं, पोला कटर है,
पफ के प्लांट में इस मशीन को लगा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक पोला को काटती रहती है, जितनी भी लंबाई में हमको चाहिए ये पोला ऑटोमेटिक काटती रहती है। इसकी कैपेसिटी एक घंटे में 200 किलो की है और ये थ्री फेज की मशीन है, 2 किलोवाट इसका लोड है। ये ऑटोमेटिक पोला कटर मशीन हो गया। अब जब यहाँ आपको दिखाऊं, ये मसाला पीसने वाली मशीन है, इसको पल्वराइजर बोलते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसकी प्रोडक्शन एक घंटे में 200 से 250 किलो की है। 20 किलोवाट इसका 20 एचपी की मोटर है इसमें, तो 18 किलोवाट इसका लोड है। इसमें आप हल्दी धनिया मिर्ची जो भी मसाले वो सब पीस सकते हैं। और मैं इधर दिखा दूं आपको, ये एयर ड्रायर मशीन है। कोई भी प्लांट हम लगाते हैं तो उसमें पाउच में एयर भरने के लिए हमको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो इस मशीन को लेके आप सिलेंडर के छुटकारे से बच सकते हैं, सिलेंडर को बार बार भरवाने की परेशानी से बच सकते हैं। ये मशीन लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्लांट में ये मशीन ज़रूरी होती है। इधर मैं दिखा दूँ, नमकीन की मशीन है, मल्ली मशीन बोलते हैं इसको। इसमें जो जैसा मैंने वीडियो बनाई थी पहले ही आपने देखा होगा, इसको मल्ली मशीन बोलते हैं। इसमें बेसन मिक्स होता है, इसमें एक घंटे आपका एक बैच में 25 से 30 kg इसमें आ जाता है। और इसका बैच जो टाइम होता है 2 मिनट का बैच टाइम होता है इसका। नमकीन का जो डो होता है उसको ये तैयार करती है। इधर मैं दिखा दूँ, ये हाइड्रो मशीन है, ऑयल को ड्रायर करती है। नमकीन जो भी बना उसको हम इसमें डाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इसको निकाल देती है। इसको ड्रायर मशीन, हाइड्रो मशीन बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं कंप्रेसर है, पैकिंग मशीन के साथ लगाते हैं इनको, ठीक है। इधर मैं दिखा दूँ आपको, पोटैटो स्लाइसर है, पोटैटो पिलर है। इसमें 3 तरह की चिप्स कटती हैं, प्लेन, लाइनिंग और जिगजैग वाली। एक घंटे में 300 से 400 किलो पोटैटो को स्लाइस कर देता है। इधर मैं दिखा दूं आपको, ये पोटैटो पिलर हैं, इनमें 25 केजी एक बार में आ जाता है और ये उसको पोटैटो को 1 मिनट में 25 केजी को छील देता है। दोस्तों, अपने पास प्लांट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। प्लांट में जैसे हमको टॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, मसाले की ज़रूरत पड़ती है, रैपर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपने पास सब कुछ मिलेगा। ये टॉयज़ हो गए, मसाले हो गए, रैपर हो गया, रेडीमेड रैपर हो गया, LD के बैग हो गए, सब कुछ आपको एक ही टेबल पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप देखते होंगे जैसे पाउचों में बच्चों के लिए होते खिलौने डालते हैं, सब कुछ मिल जाएगा अपने पास। मान लीजिए हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होते हैं इस प्लांट को लगाने के लिए, कोई मान लीजिए दिल्ली का है, दिल्ली के बाहर से भी कोई है, तो मतलब आप वहाँ पे लगवा देते हैं, डिलीवरी वगैरह हो जाती है इसकी? सर देखिए, मैं ऑल इंडिया वे प्रोजेक्ट लगवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट हब है। इंडिया से बाहर, यहाँ पे इंडिया से बाहर भी मैं मशीनें देता हूँ। अच्छा जी। दिल्ली से बाहर भी मशीन आप कहीं भी लीजिए, वहाँ पे आपको सर्विस भी मिलेगी, पूरे सेल सर्विस सपोर्ट मिलेगा आपको। अच्छा। और 1 साल की वारंटी मिलेगी। अरे वाह, मतलब आप हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, आप इस प्लांट को, इस प्रोजेक्ट को, इस व्यापार को आप लगा सकते हैं। अगर कोई आपके यहाँ पर कंपनी में, फैक्ट्री में कोई विजिट करना चाहे, एक बार लोकेशन बता दीजिए, कहाँ कोई कैसे आएगा? देखिए, आप अगर दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, न्यू दिल्ली आते हैं, न्यू दिल्ली से आपको मेट्रो मिलेगी नोएडा सेक्टर 16 के लिए, वहाँ से आपको रिक्शा लेना पड़ेगा नोएडा सेक्टर 10 से A35 के लिए। अपना जो लोकेशन है A35 सेक्टर 10 नोएडा है। तो आप यहाँ पर आ करके जो से भी आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना हो, प्लांट लगाना हो, सेटअप लगाना हो, आप सर से कॉन्टैक्ट करके इजीली लगा सकते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, बाई चांस अगर आप आ रहे हैं, अपना बजट भी नहीं है, एक बार आकर जरूर मिलिए जी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका जरूर निकलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे कि मान लो आपके पास थ्री फेस की लाइट नहीं है या जगह नहीं है, आप पैकेजिंग मशीन लीजिए, मसाला मिक्सर लीजिए, रॉ मटेरियल हम आपको आप ही के एरिया से कहीं ना कहीं से लोकल से दिलवाएंगे। अच्छा, आप उसको फ्राई करके पैक करके निकालिए, मार्केट में निकालिए, बिजनेस करिए जरूर। आपका अगर बजट कम है, एक बार आकर मिलिए, हमसे सलाह लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कुछ कर गुजरिए। मतलब आइए एक बार यहाँ पर मिलिए, ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोगों को आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से बेसिकली यहाँ पे मिलने वाला है।